हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च, जिसे हम हिंदी में व्याख्यात्मक शोध के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं कि एक्सप्लानेटरी रिसर्च होता क्या है। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि एक्सप्लानेट्स मतलब एक्सप्लेन हम कर रहे हैं किसी चीज़ को, किसी चीज़ की हम व्याख्या करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है एक्सप्लानेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर ए प्रॉब्लम विच वॉज नॉट वेल रिसर्च बिफोर। मतलब एक्सप्लानेटरी रिसर्च वहाँ किया जाता है जो रिसर्च पहले कोई प्रॉब्लम है, कोई एक प्रॉब्लम हमारे पास है, हम पहले ही इस पर रिसर्च कर चुके हैं, इस पर हम रिसर्च कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अच्छी तरह से हम रिसर्च नहीं किए हैं। मतलब नॉट वेल रिसर्च बिफोर, इस पर हाँ इस प्रॉब्लम पर हम अच्छी तरह से वेल रिसर्च नहीं कर पाए हैं। ठीक है, डिमांड्स प्रियोरिटी, जनरेट्स ऑपरेशनल डिफिनीशन एंड प्रोवाइड ए बेटर रिसर्च मॉडल। एक्सप्लानेटरी रिसर्च जो होता है क्या करता है, डिमांड प्रियोरिटीज, जनरेट्स ऑपरेशनल डिफिनीशन, डिफिनीशन ये किसी चीज़ की डिफिनीशन को जनरेट करता है, एंड प्रोवाइड ए बेटर रिसर्च मॉडल। बेटर रिसर्च मॉडल को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च। इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। क्या है, ए टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन। इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन विच फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग द एस्पेक्ट। किसी एस्पेक्ट को ये एक्सप्लेन करने का काम करता है, क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। जैसे क्या है कि हम जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। बताया क्या है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसी इंडिविजुअल या किसी फैक्ट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रहा है सिर्फ, लेकिन एक्सप्लानेटरी रिसर्च क्या कर रहा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है एक्सप्लेन। ठीक है, ऑफ योर स्टडी इन ए डिटेल्ड मैनर। डिटेल्ड मैनर में क्या करता है, किसी भी हमारे स्टडी या फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है। द रिसर्चर स्टार्ट विथ ए जनरल आइडिया। जनरल आइडिया का मीन्स है कि उसका एक रिसर्चर जो होता है उसका कुछ इमेजिनेशन होता है, उसका कुछ परसेप्शन होता है। ठीक है, वो वहाँ से स्टार्ट करता है। एंड यूज रिसर्च एज ए टूल विच क्लाउड लीड टू दिस सब्जेक्ट डैट वुड बी डील्ड विथ इन द इनकमिंग फ्यूचर। अच्छा, क्या होता है कि जब एक रिसर्चर होता है उसका कुछ अपना इमेजिनेशन होता है, कुछ उसका परसेप्शन होता है, अपने इमेजिनेशन और अपने परसेप्शन के आधार पर वो क्या करता है, रिसर्च को स्टार्ट करता है, रिसर्च को स्टार्ट करता है, और उस प्रॉब्लम पर जो कि पहले ही डिफाइंड है लेकिन वो वेल डिफाइंड नहीं है उस पर। इट इज मीन्ड टू प्रोवाइड डिटेल्स वेयर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट इन माइंड ऑफ दैट रिसर्चर। ठीक है, इट इज रिसर्च विच इज मेकिंग फॉर डिस्कवरिंग ऑफ ए प्रॉब्लम That has not ever been studied clearly। कोई भी देखिए यहाँ बताया गया, हर चीज बताया गया है। हम कोई भी प्रॉब्लम, हम उस प्रॉब्लम को डिस्कवर करते हैं, That has not ever been studied clearly। माने कि कोई भी प्रॉब्लम जो कि स्टडी किया गया है लेकिन क्लियरली स्टडी नहीं किया गया है, उस पर हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च करते हैं। टू मेक डिफिनेशन एंड एक्सप्लानेशन That has not made before and improve final results। क्या होता है कि explanatory research क्या होता है, एक definition देता है and explanation करता है that have not made before, जो कि before पहले वो नहीं किया गया है। इन क्या करता है, फाइनल रिजल्ट को इम्प्रूव करता है। एक्सप्लानेटरी रिसर्च हमारा फाइनल रिजल्ट को इम्प्रूव करता है।
पर्पज ऑफ एक्सप्लानेटरी रिसर्च, एक्सप्लानेटरी रिसर्च की पर्पज क्या होते हैं बताया गया है, इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को क्या करना करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, क्योंकि एक एक प्रॉब्लम है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ये अनक्लियरली डिफाइंड है, मतलब ये क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जब इस पर एक्सप्लानेटरी रिसर्च हम करते हैं तो ये हमको और ज़्यादा क्लियरली इसमें इस प्रॉब्लम को समझने में और ज़्यादा क्लियरिटी हमको हो जाती है, तो हमारा जो नॉलेज होता है, नॉलेज का लेवल जो होता है, हमारी जो समझने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, या इस लाइन में यही बताया गया है, ए वेरी स्ट्रॉन्ग एम टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन कॉमन पीपल, ठीक है, इसका जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का मेन जो एम होता है वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंक्रीज करना होता है, और अदर रिसर्चर एमंग द टॉपिक दैट इज इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, इट इज नॉट समरी एंड समथिंग लाइक दैट, इट इज जस्ट एक्सप्लानेशन, मतलब ये जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है ये हमारा समरी नहीं होता है, नॉट समरी, क्या होता है, ये एक्सप्लेन करता है, डिटेल्स में एक्सप्लेन करता है, ठीक है, ऑफ व्हाट एंड व्हाई समथिंग इज इन्वेस्टिगेटिंग एंड हेल्पिंग हैपनिंग, क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उस पर कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप हम बताते हैं, कॉजेज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बताते हैं, और क्वेश्चन अराइज होता है वहाँ व्हाट एंड व्हाई का, व्हाट एंड व्हाई करके हम क्वेश्चन को रेस करते हैं वहाँ पर। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सोर्सेस होता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च में, जो हमारी सोर्सेस होते हैं वो कई तरह से, कई जगह से हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ ध्यान बताया गया है कि इन द एक्सप्लानेटरी टाइप ऑफ रिसर्च इज वेरी कॉमन टू यूज लिटरेचर, लिटरेचर इसमें हम यूज कर सकते हैं, साहित्य को, डेटा डेट हैव बीन ऑलरेडी पब्लिश्ड, जो कि डेटा होता है जो कि न्यूज़पेपर में या जर्नल्स में ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुके होते हैं, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। थिंक ए लॉट बिफोर गिविंग द लिस्ट ऑफ सोर्स, इट हैज़ टू बी इंफॉर्मेटिव एंड कंक्रीटिव एंड मोर रिसियस, यानी इसमें जो डेटा होते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कई जगह से कलेक्ट कर सकते हैं, लिटरेचर से, और या फिर जो होता है डेटा होते हैं जो कि न्यूज़पेपर से या जर्नल से, माने हम कई जगह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिस डेटा कलेक्ट करने में हमको क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बेटर कंक्लूजन, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, जब किसी चीज़ को हम एक्सप्लेन एकदम करते हैं, डीप में जाकर उसकी स्टडी करते हैं, तो उसका हम बेटर, बहुत अच्छी तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है, तो हमें बताया गया एक्सप्लेन एक्सप्लानेशन रिसर्च कैन बी वेरी यूजफुल विथ हैविंग द एम टू कंटिन्यूअस रिसर्च अप्रोच ए गुड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लानेशन ऑफ द सब्जेक्ट अलाउ द रिसर्चर टू पास्ट फ्यूचर रिसर्च क्वेश्चन डैट विल मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन दी स्वेयर इन ही इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो बेटर कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च से। आइए इसके कुछ और टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, जैसे एक्सप्लानेटरी रिसर्च के कुछ टॉपिक है, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम थोड़ी डिफाइन कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, ठीक है, बताया गया है वर्क इज डन ऑन एक्सप्लेनिंग द इशू एंड कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम, क्या होता है कि एक्सप्लानेटरी रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशनशिप बताते हैं, ठीक है, कॉज एंड इशू में, इशू एंड कॉज में क्या होता है कि रिलेशनशिप हम बताने की कोशिश करते हैं। कंसर्न विथ कॉज हाउ और वाई फैक्टर्स, क्या होता है कि जो हम एक्सप्लानेटरी रिसर्च में जो क्वेश्चन रेस करते हैं वो हाउ और वाई या काजेज, मतलब कि कैसे हुआ, कोई अगर घटना हुई है, कोई घटना घटी हुई है तो कैसे ये हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम रेस करते हैं इसमें। एम एट एस्टेब्लिशिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास कई तरह के होते हैं, मेनली टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है वो हम बताने की कोशिश करते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च में, ठीक। एक्सप्लानेटरी रिसर्च इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू हेल्प अस
फाइंड द प्रॉब्लम डेट वॉज नॉट स्टडी बिफोर इन डेप्थ, माने एक्सप्लानेटरी रिसर्च में एक्सप्लानेटरी करने का हमारा मेन उद्देश्य यही होता है कि हम कोई प्रॉब्लम है जो कि पहले तो डिफाइंड किया गया है लेकिन वो अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं किया गया है, उस पर स्टडी किया गया है, प्रॉब्लम पर स्टडी किया गया है लेकिन अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया गया है, तो हम क्या करते हैं एक्सप्लानेटरी रिसर्च में हम जाते हैं इन डेप्थ स्टडी करते हैं, क्या करते हैं इन डेप्थ स्टडी करते हैं इसमें, माने जिस पर पहले से इन डेप्थ स्टडी ना हुई हो और एक्सप्लानेटरी रिसर्च में हम उस पर इन डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं। द एक्सप्लानेटरी रिसर्च इज नॉट यूज टू गिव सम कंक्लूजन, एक्सप्लानेटरी रिसर्च होता है ना कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन नहीं देता है, क्या देता है वो कंक्लूजन नहीं देता है, नॉट यूज टू गिव अस सम कंक्लूजन, इविडेंस भी ये नहीं देता है, प्रोवाइड करता है बट हेल्प, लेकिन वो हेल्प करता है किसमें, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली, क्या होता है कोई प्रॉब्लम है इसके बारे में यह कंक्लूजन नहीं देता है, कोई फाइनल रिजल्ट नहीं देता है लेकिन हाँ इस प्रॉब्लम को समझने में ये क्या करता है बहुत हद तक इफेक्टिवली हमारी हेल्प करता है, इफेक्टिवली हेल्प करता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये हमारा मेन पॉइंट है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज नॉट यूज्ड टू गिव अस सम कंक्लूजन, ये कुछ कंक्लूजन नहीं देता है, मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं देता है, ना ही इविडेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन हाँ प्रॉब्लम को इफेक्टिवली समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में ये हमारी हेल्प करता है। ओके, व्हेन कंडक्टिंग द रिसर्च द रिसर्चर शुड बी एबल टू एडॉप्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ टू न्यू डेटा एंड द न्यू इनसाइट डेट ही डिस्कवर एज ही सी स्टडी द सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हमारा वही पॉइंट है जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, मतलब क्या होता है कि जब एक रिसर्चर होता है वो कंडक्ट करता है अपने रिसर्च को, तो क्या करता है उसका कुछ अपना इमेजिनेशन होता है, कुछ उसका परसेप्शन होता है, उसके बेसिस पर वो क्या करता है अपने सब्जेक्ट जो कि प्रॉब्लम है इस रिसर्च का उस पर रिसर्च वो स्टार्ट करता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल बिना एग्जाम्पल की मदद से किसी चीज़ को हम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को हम और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल हमारा है रिसर्च ऑन वायलेशन अगेंस्ट ओमेन, माने कि ओमेन जो हमारी जो सोसाइटी है जहाँ पर ओमेन पर क्या होता है ज़्यादातर वायलेशन किया जाता है पुरुषों के द्वारा, ठीक है। तो इससे संबंधित हम क्या करने जा रहे हैं, रिसर्च करने जा रहे हैं, तो हम किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ, देखिए किस तरह के क्वेश्चन वहाँ रेस करेंगे, जब हम इस तरह के वायलेशन अगेंस्ट वोमेन पर जब हम रिसर्च करने जाएंगे तो वहाँ हम करेंगे एक्सप्लेन कॉज फॉर वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, यानी वोमेन के अगेंस्ट वायलेशन क्यों होता है, इसके क्या क्या वजह है, इस तरह के हम क्वेश्चन वहाँ रेस करेंगे पहली बात। और सेकेंड सर्च वाई मेन कमिट क्राइम अगेंस्ट वोमेन, और जो एक पुरुष होता है वो औरत के अगेंस्ट में क्यों क्राइम करता है, ठीक है, वाई क्यों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, काजेज माने उसकी कारण क्या है, वाई माने क्यों, ठीक है। एक्सप्लेन वाई एग्जिस्टिंग लॉ इज नॉट एबल टू प्रोटेक्ट वोमेन, माने जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ है वो वोमेन को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, यानी जो क्वेश्चन होता है वाई हाउ एंड काजेज, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सम ऑफ द पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन, इसमें जो मेथड्स होते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में जो यूज किए जाते हैं वो है फोकस ग्रुप, जिसमें क्या होता है कि करीब हम मान लेते हैं कि 8 से 10 पीपल ले लेते हैं, पॉपुलेशन ले लेते हैं और उस पर क्या करते हैं हम रिसर्च करते हैं, ठीक। डेप्थ इंटरव्यू और कोई मान लेते हैं कोई एक्सपर्ट लेते हैं, कोई एक्सपर्ट को ले लेते हैं और उससे हम एक एक्सपर्ट को ले लेते हैं और उस पर हम जाकर इन डेप्थ क्या करते हैं इंटरव्यू उसका लेते हैं, इन डेप्थ जिसको हर बात की जानकारी हो, जिसको हर बात की इस वो कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसे पर्सन से हम इंटरव्यू लेने कोशिश करते हैं जिसको सभी चीज़ों का नॉलेज हो, सभी चीज़ का अच्छी तरह से नॉलेज हो उस पर, और उस पर हम इन डेप्थ में क्या करते हैं इंटरव्यू लेते हैं उसका डेप्थ में जाकर। केस एनालिसिस
हमारे जो सोसाइटी में अलग अलग तरह के केस होते हैं उनका हम एनालिसिस करते हैं। इसमें लिटरेचर सर्च, लिटरेचर जो हमारे साहित्यकार होते हैं उन्होंने अपने क्या क्या ओपिनियन दिया है उसके बारे में, उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिजाइन, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं टाइप्स इसके। बताया गया है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब यहाँ थ्री टाइप्स के होते हैं, टू सेल डिजाइन, फोर सेल डिजाइन एंड मैचिंग डिजाइन। एक क्या क्या डिजाइन होते हैं इसको हम अलग अलग अभी समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं टू सेल डिजाइन, देखते हैं टू सेल डिजाइन में क्या होता है। टू सेल डिजाइन में दो सेल होते हैं, मतलब ये दो सेल आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ टाइम पीरियड, टू टाइम पीरियड होता है। हमारी एक सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन होती है क्या, सिचुएशन के वायलेंस अगेंस्ट ओमेन। ठीक है, ये हमारी एक सिचुएशन बन गई कि ओमेन के अगेंस्ट में क्या होता है, वायलेशन क्या होता है। ठीक है, ये हमारी एक सिचुएशन बन गई और इसका हम अलग अलग टाइम पीरियड में अध्ययन करेंगे, अलग अलग टाइम पीरियड में इसका हम डिस्कस निकालेंगे कि इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में उनके उनके मतलब अगेंस्ट में कितना वायलेशन था, और इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन के बीच में उनके प्रति कितना वायलेशन है सोसाइटी में हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिचुएशन हम ले लेते हैं और दो दो टाइम पीरियड लेते हैं और उस पर हम अध्ययन करते हैं। बताया गया है वेयर T1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड 1 को, एंड T2 रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड 2 को, एंड S1 हमारा सिचुएशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू सेल डिजाइन में बताया गया है स्टडी, स्टडिंग वन सिचुएशन, वन एक ही सिचुएशन का हम स्टडी करते हैं, या एक सिचुएशन या एक इश्यू का हम स्टडी करते हैं इन टू टाइम पीरियड में, टू टाइम पीरियड में एक ही स्टडी। जैसे एग्जामिनेशन, एग्जाम का एग्जामिनेशन, हमको पता है कि एग्जामिनेशन के समय जो स्टूडेंट होते हैं उनमें स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि साल में दो बार हमारे एग्जाम होते हैं, तो हम देखते हैं कि किस पीरियड में एक स्टूडेंट पर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस हम लेते हैं, मान लेते हैं स्ट्रेस हमारा एक इशू है। ठीक है, जो हमारी स्ट्रेस है स्टूडेंट के ऊपर वो हमारी एक इशू है, और हम देखते हैं कि जो एग्जामिनेशन 1 के समय कितना स्ट्रेस था उन स्टूडेंट के ऊपर, और एग्जामिनेशन 2 में कितना स्ट्रेस था उन स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की हम स्टडी करते हैं इसमें। और एक्सप्लानेटरी रिसर्च अटेम्प्ट टू आंसर हाउ एंड वाई बिटवीन टू टाइम पीरियड, जो प्रॉब्लम हमारी होती है वहां से हम हाउ एंड वाई का क्वेश्चन रेस करते हैं, टू टाइम पीरियड ऑफ ए सिचुएशन, एक सिचुएशन का हम टू टाइम पीरियड के में अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिए एक ही सिचुएशन है या इशू है उसका हम टू टाइम पीरियड में अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम टू सेल डिजाइन कहते हैं। अब आते हैं देखते हैं फोर सेल डिजाइन, फोर सेल डिजाइन क्या है हमारा है, तो बताया गया है फोर सेल डिजाइन में फोर सेल डिजाइन पैनल, जिसे हम पैनल डिजाइन के नाम से भी जानते हैं। फोर सेल डिजाइन में दो टाइप्स के हमारे डिजाइन बनेंगे रिसर्च डिजाइन। ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या है टाइप 1 में। बताया गया है कि इसमें एक ही सिचुएशन होती है, एक ही सिचुएशन होती है जिसका हम मतलब क्या होता है कि दो दो मतलब दो से अधिक टाइम पीरियड में अध्ययन करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्या, वायलेंस अगेंस्ट ओमेन, एक हमारा एक सिचुएशन बन गया या हमारा एक इशू बन गया। ठीक है, लेकिन इसका हम अलग 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 टाइम पीरियड में हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे फोर सेल डिजाइन पैनल डिजाइन, जिसमें हमारा एक टाइप 1 में कवर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ बर दिया गया है टाइप 1 में स्टडी कवर्स 3 और मोर टाइम पीरियड, माने हम 3 या 3 से अधिक टाइम पीरियड में एक ही सिचुएशन का स्टडी करते हैं। यहाँ बताया गया है वेयर T1 रिप्रेजेंट करता है टाइम 1 पीरियड को, T2 प्रेजेंट करता है टाइम 2 पीरियड को, T3 प्रेजेंट करता है टाइम पीरियड 3 को, एंड T4 प्रेजेंट करा है टाइम पीरियड 4 को, और S1 प्रेजेंट करा है हमारा सिचुएशन या इशू फर्स्ट को। अब टाइप 2 में हम आते हैं, देखते हैं टाइप 2 में बताया गया है कि इसमें
इसमें एक से अधिक सिचुएशन होते हैं, इसमें एक से अधिक सिचुएशन होते हैं जिनका हम टू टू टाइम पीरियड में अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा सिचुएशन वन बना, सिचुएशन वन बना, इसका हम टाइम पीरियड वन में अध्ययन करेंगे, एंड टाइम सिचुएशन टू जो हमारा है इसका भी हम टाइम पीरियड वन में अध्ययन करेंगे, ठीक है। और सिचुएशन वन का फिर हम टाइम पीरियड टू में अध्ययन करेंगे, एंड सिचुएशन टू का फिर हम टाइम पीरियड टू में अध्ययन करेंगे। अरे इसमें दो सिचुएशन होते हैं और दो टाइम पीरियड होते हैं जिनका अध्ययन हम करते हैं। स्टडी कवर्स, स्टडी इसमें कवर करता है कि टू सिचुएशन एट टू टाइम्स, टू सिचुएशन टू टाइम्स में हम स्टडी करते हैं, ठीक। अब आता है एक हमारा है मैच्ड स्टेज, मैच्ड स्टेज। इसमें बताया गया है कि सिचुएशन वन का सिर्फ हम टाइम वन पीरियड में अध्ययन करते हैं और सिचुएशन टू का हम टाइम पीरियड टू में अध्ययन करते हैं, ठीक है। यानी सिचुएशन वन को हम टाइम वन में स्टडी करते हैं और सिचुएशन टू को हम टाइम टू में स्टडी करते हैं। जैसे एक सिचुएशन बन गया, क्या सिचुएशन है कि सिचुएशन फर्स्ट हमारा है कि वायलेंस अगेंस्ट वोमेन बिफोर लॉ, कोई कोई उनके लॉ है उसको आने से पहले उनके ऊपर क्या क्या वायलेंस होता था, ठीक है। इसका एक सिचुएशन हमारा वन है, सिचुएशन वन है, और इसकी स्टडी हम कर रहे हैं एक अलग टाइम पीरियड में, एक अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर लॉ इंट्रोड्यूस्ड, जब लॉ हमारा इन्फोर्स्ड हो जाता है, इंट्रोड्यूस्ड हो जाता है, मतलब अप्लीकेबल हो जाता है, तो हमारा सिचुएशन टू बनता है कि वायलेंस अगेंस्ट वोमेन आफ्टर लॉ, फिर उसका हम सेकेंड टाइम पीरियड में उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ये हमारा क्या है, मर्ज्ड स्टेज बताया गया है। स्टडी कवर कलेक्शन ऑफ डेटा फर्स्ट फ्रॉम वन सिचुएशन, हम मतलब पहले हम वन सिचुएशन से क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, दैट इज सिचुएशन वन, और ये डेटा, ये डेटा हमारा है, ठीक है, टाइम पीरियड का वन, टाइम वन का डेटा है हमारा है। एट वन टाइम एंड फ्रॉम अनदर सिचुएशन, अनदर सिचुएशन सिचुएशन टू, एट दी अनदर टाइम टाइम पीरियड टू, ठीक। अब आइए हम देखते हैं कुछ और टॉपिक, ठीक। तो हमारा यहाँ पर हमारा इंड होता है एक्सप्लानेटरी रिसर्च, ठीक। एक्सप्लानेटरी के रिसर्च के बारे में हम लोगों ने बहुत डीप ही स्टडी किया है, हमने देखा कि एक्सप्लानेटरी रिसर्च क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल के बारे में भी अच्छी तरह से समझ लिया। तो इसका मतलब हमने कंप्लीटली एक्सप्लानेटरी रिसर्च या व्याख्यात्मक शोध को हमने स्टडी कर लिया है। तो हम अपने इस लेक्चर को यहीं इंड करते हैं और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।